हेलो गाइज, स्टार्ट करते अपना वीडियो। टाटा मोटर्स के बारे में हम बात करेंगे। टाटा मोटर्स का शेयर बहुत लोगों के पास ये होल्ड करके रखा है लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें मैक्सिमम लोग ये जो अपर बैंड है इसका, जब ये रनअप हो रहा था यहाँ पे लेके फंस गए हैं। हर कोई फंसेगा, जिनको टाटा मोटर पसंद था वो ये लेवल पे तो फंसा ही होगा, क्योंकि ये क्लियरली राउंडिंग बॉटम पैटर्न बने जा रहा है। और जैसे ही चिप शॉर्टेज आया, ये शेयर नीचे गिरा था। यहाँ से ये शेयर नीचे की तरफ आया था, यहाँ से अभी ये धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि जो ब्रोकरेज फर्म से, अपने यहाँ की ब्रोकरेज फर्म से अलग अलग, उन्होंने इस पे क्या क्या टारगेट दिए हैं। तो वीडियो को शॉर्ट रखेंगे। सबसे पहले इडलवाइस, इडलवाइस ने टाटा मोटर्स में 372 का टारगेट दिया है। 372 का टारगेट दिया है इडलवाइस ने। जियोजित फाइनेंशियल सर्विस ने भी 372 का टारगेट दिया इसमें। और आईसीआईसी सिक्योरिटीज ने 375 का टारगेट दिया इसमें। और अगर देखा जाए तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने 380 का टारगेट एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने इसमें 400 का टारगेट दिया है। तो मोतीलाल ओसवाल इस पे ज्यादा बुलिश है, और इसकी सीएमपी अभी 311 पे ट्रेड कर रहा है, 311 पे ट्रेड कर रहा है। और इसमें ये चार टारगेट बड़े बड़े अपने जो सिक्योरिटी फर्म से या ब्रोकरेज से, उन्होंने ये टारगेट दिए है। तो ये टारगेट हो गया, 380 का टारगेट दिया किसने है, एचडीएफसी ने ये टारगेट दिया है। और आईसीआईसी सिक्योरिटीज का तो मैंने आपको थंबनेल में ही दिया है 375, ये तो आईसीआईसीआईसी का, ये उनका टारगेट है। और सबसे ज्यादा बड़ा टारगेट इसमें मोतीलाल ओसवाल ने दिया है 400 का। टाइम फ्रेम होगा एक साल का। अगर एक साल के लिए होल्ड करोगे तो ये चार टारगेट आपके सामने हैं, इसमें से एक टारगेट जरूर आएगा। तो टाटा मोटर्स को यहाँ से बेचना नहीं है, इसे होल्ड करके चलो। यहाँ से भी आपको 100 पॉइंट्स अपवर्ड की मूवमेंट आराम से दिख सकती है।